तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया था कि आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है, यानी GNM सेकंड काउंसलिंग का जो काउंसलिंग शेड्यूल था, उसकी जो अलॉटमेंट लिस्ट थी दोस्तों, वो 29 तारीख तक आ जाएगी, यानी 29 तारीख से पहले पहले आ जाएगी, ये भी कहा था हमने। लेकिन दोस्तों, उसको 28 तारीख को ही जारी कर दिया गया, यानी आज जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हो, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर कब तक आएगी GNM की जो लिस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी जानकारी देंगे, किसको कौन सी कॉलेज मिली है और GNM का जो अलॉटमेंट लेटर है उसको कैसे डाउनलोड करना है, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए, छोटी से छोटी अपडेट आए तो आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको एक सटीक जानकारी दी जाती है। बिल्कुल भी बादल एजुकेशनल गुरु ये ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यहाँ से आपको हर एक कमेंट का जवाब दिया जाता है और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको पता लगे। देखो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि आपको GNM का जो अलॉटमेंट लेटर है वो कैसे डाउनलोड करना है। इस प्रकार आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाओगे, आपको यहाँ देखने को मिलेगा GNM प्रशिक्षण सत्र 2021-22 राज्य के निजी प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग ऑनलाइन अभ्यर्थियों की सूची अपलोड कर दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ब्लू ब्लू में देख सकते हो, फर्स्ट सूची तो ये रही, ठीक है ना। राज्य की प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रवेश हेतु द्वितीय ऑनलाइन अभ्यर्थियों की सूची, ये यानी गवर्नमेंट स्टूडेंटों की सूची है और ये प्राइवेट वाले स्टूडेंटों की सूची है, जिन जिन स्टूडेंटों को प्राइवेट कॉलेज मिला है। दोस्तों, अब हम इसको गवर्नमेंट वाली को डाउनलोड करके बता देते हैं आपको, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है दोस्तों आपको। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार, ये आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगी, ठीक है ना। ये से डाउनलोड होकर आ गई है दोस्तों, ये देख सकते हो आप अपना अपना सब रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। और एक फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपको कल बता देंगे, कल एक वीडियो बना देंगे, उसमें लाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, ये कौन सी कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए थोड़ा। हाँ, ये अलवर कॉलेज देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है ना। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर अलवर, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, गोपाला सोनी, ठीक है ना, सतीश कुमार सोनी पेरेंट्स का नाम है, ठीक है ना। इनके नंबर हैं 97 पर इनको मिली है कौन सी कॉलेज, अलवर कॉलेज मिली है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख सकते हो दोस्तों आप, नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो है नाथोली राम वर्मा, ठीक है ना, सॉरी पेरेंट्स का नाम है नाथोली राम वर्मा, तो पेरेंट्स का नाम है, उसका नाम है हितेश कुमार वर्मा, ठीक है ना, उसके पेरेंट्स का नाम है नाथोली राम वर्मा। नेक्स्ट इसको जो मिली है कॉलेज, वो मिली है 97 पर मिली है, ठीक है ना। और नेक्स्ट दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप, फीमेल को मिली है मिथिलेश शर्मा को मिली है यहाँ पर 56 नंबर पे, देख सकते हैं जनरल कैटेगरी से, लेकिन इनमें क्या दे रखा है, जनरल कैटेगरी से जनरल इन सर्विस गर्ल्स, देख सकते हैं आप। इन सर्विस गर्ल्स का मतलब है इनके पेरेंट्स हैं ना वो छो सर्विस मैन है, यानी आर्मी मिलिट्री सर्विस में है, ठीक है ना, इसीलिए इनको कम नंबर पर मिल गई है। और देख सकते हैं दोस्तों, और जो कट ऑफ है वो कितनी गई है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आप, एसटी गर्ल्स की एसटीपीएससी जो गर्ल्स है उसकी कट ऑफ गई है यहाँ पर 51 कट ऑफ गई है। और देख सकते हो, और तो 90 कट ऑफ गई है। और दोस्तों, इसके बारे में कल हम इन्फॉर्मेशन वीडियो लाएंगे आपके लिए, ऑनलाइन आके आपको सभी का रिजल्ट चेक करके बताएंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी हमको, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।